अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संपत्तियां खरीदने का काफी शौक है। उनके नाम पर ट्रंप टावर है। राष्ट्रपति बनने से पहले वो रियल एस्टेट के बिजनेस में थे। अब उनकी ख्वाहिशों की सूची में एक और नाम जुड़ गया है। ट्रंप अब डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीदना चाहते हैं। इसको लेकर उन्होंने अपने सहयोगियों से चर्चा भी की है। ट्रंप के एक सहयोगी ने न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि राष्ट्रपति ने ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए चर्चा की, हालांकि वो इस पर गंभीर नहीं थे। ये कोई पहला मौका नहीं है जब अमेरिकी नेता दुनिया के सबसे बड़े द्वीप डेनमार्क के एक स्वायत्त क्षेत्र को खरीदने की कोशिश कर रहा है। साल 1946 में अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए डेनमार्क को $100 मिलियन देने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि ट्रंप की ताजा कोशिशों पर ना ही व्हाइट हाउस और ना ही डेनमार्क ने कोई टिप्पणी की। द्वीप के उत्तर पश्चिम में ग्रीनलैंड पर अमेरिकी सेना का पहले से ही बड़ा एयरबेस है। इस पर 600 कर्मचारी हैं। देश की वैश्विक रडार प्रणाली में महत्वपूर्ण है। डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर डेनमार्क जाएंगे। हालांकि माना जा रहा है कि ग्रीनलैंड उनके एजेंडे में नहीं होगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप को मालूम पड़ा था कि डेनमार्क को आर्थिक सहयोग की जरूरत है। पिछले साल डिनर के दौरान उन्होंने इस मुद्दे को भी उठाया था। ग्रीनलैंड को खरीदने के बाद सोचते हुए उन्होंने मेहमानों से पूछा था कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं।